ओवर so, ईटिंग करने पर ओवर हाँ। ईटिंग करने पर खानी चाहिए नीम की गोली होई होई। क्या प्लेऑफ से पहुंच पाएंगे oh किंग कोहली हर बात के बाद के बात है, होर, की हाल है? <laughs> तो पंजाब में मासियां हर बात कहती है? होर? अच्छा, ये पंजाबी वाला है पंजाबी में कहते हैं क्या प्लेऑफ में पहुंच पाएगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर <laughs> आ देखो पहुंच सकती है बैक टू बैक पांच मैच जो है वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीत लिए हैं और वो अब उस राह पे चल चुकी है जिसमें विराट कोहली और एम एस धोनी में से शायद एक ही टीम होगी जो हमें दिखेगी प्लेऑफ्स के अंदर अठारह मई को मैच है सीएसके वर्सेस आरसीबी चेन्नई स्वामी स्टेडियम में और वो मैच डिसाइड करेगा की आरसीबी जाएगी प्ले में या सीएसके अगर आरसीबी को जीतना है जी तो भैया तो उनको अठारह रन से जीतना पड़ेगा अच्छा जी यहाँ तो टारगेट चेस करना पड़ेगा ग्यारह बॉल रिमेनिंग ग्यारह बॉल रिमेनिंग यानी मतलब हाँ, ये, ये मैंने ऐसे कैलकुलेट किया ये भाई ये बहुत तेज अबैकस के बहुत बड़े उस्ताद हैं ये राइट फ्रॉम इंटरनेट मैंने चुरा के बोला है। <laughs> <laughs> बहुत तेज इन्होंने कैलकुलेशन कर लिया तो हाँ। मतलब हाँ। 18 11 बॉले रिमेनिंग यानी आपको 18.1 ओवर्स के अंदर ये जो मैच है उनको टर्न ये सोच मार यार कैलकुलेट भी कर लिया इतनी तेज मैच से न सात कभी कभी घमंड नहीं किस्सा मैं, मैं सच बता रहा हूँ लेकिन हाँ। ये हो सकता है कि धोनी और कोहली

राजस्थान से तो उनका कोई कंपटीशन नहीं है तो राजस्थान तो उसके हिसाब से आ ही रही है करेक्ट तीसरे नंबर पे फिलहाल है अभी चेन्नई सुपर किंग जिन्होंने तेरह में से सात मैच जीते हैं पर इनका जो 14वां मैच यानी आखिरी मैच है वो है आरसीबी के साथ और वहीं हैदराबाद के पास अभी फिलहाल दो मैचेस हैं hmm. तो और वो किस-किस से हैं वो हम आपको बता देते हैं एक है गुजरात से और एक है पंजाब से। तो अगर हैदराबाद चाहती है कि काव्या मैम का गुस्सा बढ़ता जाए तो वो आखिरी के दोनों मैचेस हार सकता है और आरसीबी की और सीएसके की मदद कर सकता है बिल्कुल मदद कर सकता है और देखो धोनी का तो हो सकता है शायद अब उन्होंने बाल भी लंबे कर लिए हैं तो हो सकता है आखिरी ही क्यों बाल लंबे कर लिए तो आखिरी के देखो बाल लंबे करके आए थे ना वो उनको लग रहा है की शायद धोनी का इस साल आखिरी आईपीएल हो ऑल दो उनकी फिटनेस से लग रहा है ढोला ये बड़ा बड़ा ऐसा तो, लग रहा है उठते ही प्रोटीन का डब्बा पूरा मुंह में खाते फिर बोलते हैं आज बताओ किसके साथ मैच है फिर खेलने चलेंगे तो यार और मतलब लोग भी ऐसे पागल हुए रहते हैं कि और उन्होंने पिछली बार भी जब सबको लग रहा था धोनी का आखिरी सीजन है क्योंकि उनका घुटना जो था वो बुरी तरीके से इंजर्ड था तो धोनी ने कहा डेफिनेटली नॉट

आसान कर दिए तो अब हो सकता है कि ये ही एक अंदाजा हो लोग लव फैंस तो अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद धोनी अगले साल से चेन्नई में ना दिखे पर पर धोनी नहीं दिखेंगे तो मुझे लग रहा है कौन दिखेगा कौन दिखेगा रोहित शर्मा नहीं अच्छा एक और थ्योरी है मैंने जो देखा है जो कैमरास ने दिखाया है हमें कि केकेआर और एमए वाले मैच में रोहित शर्मा जी केकेआर ड्रेसिंग रूम में बहुत देर तक बैठे आ, रहे थे और, 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 अच्छा शर्मा जी को बॉलीवुड पसंद है, फिल्में नहीं। नहीं। पसंद है, है 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 फिल्में के ओनर जो हो सकता है कुछ और रोहित शर्मा को ईडन गार्डन कहते हैं मेरा फेवरेट ग्राउंड है और ऊपर से एक और क्लिप आ चुकी है कि वो के के आर वाले से बात कर रहे हैं अरे ये तो मेरा लास्ट है ना और रोहित शर्मा वैसे भी बोल चुके हैं कि वो कैप्टनसी से खुश नहीं है और कोचिंग से भी खुश नहीं है तो हो सकता है लेकिन देखो जो तीसरे नंबर पर है, हाँ। उनके पास एक ही मैच बचा हैदराबाद है, के पास दो मैच बचे है और आरसीबी के पास भी जो एक लौता मैच बचा है वो सी के साथ है तो अब अगर आर को आना है तो या तो सारे आरसीबी फैंस को मिलकर दुआ मांगनी होगी भाई देखो सी एस के भी आ जाए आर सी बी भी आ जाए और ये पैट कमिंस घटिया आदमी जो है जिन्होंने जिसकी चिट भी चल रही है पैट भी चल रही है ओह माय गॉड, पर मुझे लग रहा है ना आर सी बी को आना नहीं चाहिए प्ले क्यों? यार वर्ल्ड कप की तो तैयारी करनी है फिर तो तो को यार ले ले तो को और ईशांत बोल तुम मेरे को मारेगा विकेट ले ली दो हजार आठ से पहली बार हुआ है की ईशांत शर्मा ने आईपीएल में विराट कोहली की विकेट लिया आज तक ऐसा नहीं हुआ पहली विकेट है और मस्त छेड़ की कंधे कुंदे मार के गया है वो तो मजा तो है देखो लेकिन देखो मैं फैन? तो फैन हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि धोनी भी आ जाए और आर भी 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 आ जाए भी उसके भी लिए, भी लिए फिर एस आर एच को हारना पड़ा उसके लिए एस आर एच की कुर्बानी देनी होगी रेडी हूँ जिस टीम को चाह मैं उदास हो जाए पक्का हो जाए दिल हाथ रख के बोला दे चुप हो गया <laughs> लेकिन काव्या मैम यार देखो आप थोड़ा सा मुझे लगता है काव्या मैम खुद विराट कोहली और उनकी फैन होंगी यार धोनी hmm. की और वो खुद चाहेंगी ठीक है यार जा, जा उनकी टीम पिछले साल 2023 hmm. में पता है कहाँ पे थी कहाँ पे थी घर पे आखिरी घर अच्छा, ही हो गया दस, हाँ दसवें नंबर पे <laughs> थी सबसे पहली टीम टू तो बी एलिमिनेटेड फ्रॉम आईपीएल थी एस पर पर स्टैंडिंग सल्यूट, क्योंकि इसकी हाइट लंबी मैं खड़ा हो अंडर डॉगर आपको क्या लग रहा है जी आरसीबी आपको लग रहा है कि प्लेऑफ्स में जा पाएगी या सीएसके आरसीबी दोनों जा पाएगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं बिल्कुल और हैदराबाद का क्या होगा क्या हैदराबाद

you <laughs>